आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न यह है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। हमारा विकल्प है, पहला विकल्प है सितार, दूसरा विकल्प है वायलिन, तीसरा विकल्प है मुरली, चौथा विकल्प है वीणा। तो पहले विकल्प की बात करें सितार, यह एक वाद्य यंत्र है तथा यह तंतु युक्त वाद्य यंत्र है। यह एक तंतु युक्त वाद्य यंत्र है, यानी इसमें जो है तारे लगे होते हैं, तारे यानी धागे लगे होते हैं, तंतु युक्त वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, यह एक तंतु युक्त वाद्य यंत्र है। दूसरा विकल्प है हमारा वायलिन, यह भी तंतु युक्त वाद्य यंत्र है, यह भी तंतु युक्त वाद्य यंत्र है। तो तीसरा विकल्प है हमारा मुरली बांसुरी, यह वायु वायवीय युक्त यानी हवा के द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है, यह वायवीय वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है यानी हवा के द्वारा बजाने वाला यंत्र है। और जो हमारा चौथा विकल्प है वीणा, यह भी तंतु युक्त वाद्य यंत्र है, यह भी तंतु युक्त वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। यानी कि जो हमारा तीसरा विकल्प है उसको छोड़ के सभी जो है तंतु युक्त यानी तारे से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। बाकी जो मुरली है वो वायु के द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा मुरली, जो हमारा उत्तर होगा वो होगा मुरली। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।